असली जीवन तो ये यार बचपना है, ये सही में बहुत याद आता है। इसको इंजेक्शन भी लग गया। ऐसा तैयार होके कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, देने जा रही हूँ। मतलब पहले दिन ही है अभी तो। मैंने कल बोला ना, कल तो मैं ट्रेनिंग की सिर्फ बात करने आया था, उसको एक ही दिन में ऐसा कर दिया। हे गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे क्या है आप? तो बड़ों को राम राम, तो छोटों को नमस्कार। निकल रहे हैं सुबह सुबह घर से। आज एक और चीज़ है कि सरप्राइज न्यू मेंबर एड जो लिखता हूँ ना मैं, मतलब एड नहीं होगा वो, दूसरे का हैगा, तो जाएगा बाहर चीज़, तो वो भी दिखाता है। जयराम जी के भैया, तो हम निकलते हैं यहाँ से। तो बाबू जय बाबा की भी कर ली, बोल्ट है इधर, ये वही मतलब रोज दिखाने की इच्छा होती ना, इसलिए मेरी। तो यहाँ से निकलते हैं अपन सीधे पहली फुर्सत में। हाँ शर्मा जी भूख रहे हमारे, यहाँ से निकल लेते हैं। अभी गांधी के यहाँ से निकल रहे हैं, चलते हैं गांधीनगर वाली जगह पे। गांधीनगर क्या वो वहाँ पे, गांधीनगर के आगे, सॉरी मैं भूल गया, गांधीनगर के आगे जाना है। निकलते हैं यहाँ से। आजकल मैं टाइम लेस बहुत कम बनाता हूँ यार, वो बोर हो जाते हैं ना चैनल वाले भी देखने वाले भी। क्या भैया बस थोड़ी सी बातें करी फिर वो टाइमलेस लगा दिया, ये हो गया वीडियो। वो मेरे को ऐसा लग रहा अपने मन में मैं गलत कर रहा था, तो मैंने ठीक है। और अपना वीडियो अब आएंगे दो पार्ट में, मतलब जो कल का था देवास वाला दो पार्ट में आएगा। पहला वाला वीडियो तो वही होगा, पापा की पर मुँह के बल गिरी, मैंने ऐसा नहीं दिखा, बुरा लग जाता है। पापा की परी होगा तो देखती नहीं, पर हर कोई पापा की परी थोड़ी नहीं होती है, इसलिए चलो एंजॉय करने वाला वीडियो। और अपन यहाँ से निकलते हैं, बीच में देंगे थोड़ा वो शॉर्ट। तभी तो अपन हो गए मंदिर से पूजा करके निकल गए, यहाँ से जा रहे हैं गांधीनगर वाले ट्रेनिंग पे। सीट बेल्ट पहनना था पर मैंने अभी गाड़ी चालू करी, थोड़ी सी आगे जाके पहन रहा हूँ मैं, उसको रोक के, क्योंकि मैं क्या कॉलोनी में से निकल रही हूँ, अभी पहन लेता हूँ बस थोड़ा सा, दो मिनट रोक के पहनूंगा, ठीक है। अभी अपन ने सीट मेन रोड पे भी आ गए, सीट बेल्ट लोग यहाँ का नाश्ता करता था मैं, पर मेरी क्या गंदी आदत हो गई, अरे तो पूजा पाठ नहीं कर लूँ ना तब तो मेरी खाने की भी इच्छा नहीं होती आजकल। पहले चलो ठीक है खा भी लेता था, अब तो बहुत। और एक बार अपना फेवरेट गाना बजते हुए बाइक वाले भैया वो इधर से जा रहे थे, मैंने उनको हाथ दिया, मैंने भैया इधर से निकल जाओ यार, इधर से कहाँ जाऊँगा, मेरे आगे की बस चल रही है, मैं तो भी नहीं साइड दे पाऊँगा आपको, क्यों देख के गया, देखते थे चलो चलते हैं आगे, क्या बोल रहे अपन। अभी एयरपोर्ट का मतलब बहुत सारा लुक चेंज हो गया है भाई साहब, बहुत मस्त बन गया, मतलब अच्छा लग रहा देख के। पता है इसका मतलब बारो वाइट इतना कर देगा जिसके हद नहीं, फोन लेना लगता है लेना ही पड़ेगा मेरा भाई। अरे अभी थोड़ा सा अभी अभी तो लिया यार, अभी इसको चेंज कर देंगे तो घर वाले मार देंगे, थोड़े दिन बाद करते हैं चेंज, अभी नहीं, बहुत दिक्कत कह रही है क्या, बार बार देखना चलते चलते वाइट कर देगा पूरा। बस ये है हमारे इंदौर की नगर निगम, उनको चकाचक मतलब ये कचरा नहीं मिलेगा इस मोड़ पे। हेलो नगर निगम वाला देखते हैं क्या करता है, क्योंकि मतलब स्वच्छता में चलो ठीक है इंदौर सही है, नगर निगम ही करता, पर नगर निगम की गाड़ी उनकी हालत देखो भाई साहब, धोते तक नहीं है ये तो भाई सारण भैया प्रधानमंत्री हो, ये तो मतलब अपने आप को कोई वो समझते बिल्कुल कि सबसे बड़े अधिकारी यही है। अब बेचारा आगे टमटम वाला इसको साइड देगा क्या, ये सीधा निकलेगा, हालांकि अभी सिग्नल तो अभी उसको निकलना जल्दी है। अच्छा टमटम वाले दद्दू है, दद्दू ऐसे नहीं जानने देंगे तुमको, सब लोग खड़े हुए हैं लाइन से। कोई कहा कोई कहा, तो फिर भी निकलते हैं यहाँ से। अभी कल या परसों में यहाँ पे ना पिक पर्वत, मतलब रोज के अब तो अपने दर्शन हो सकते हैं, मैं चाहूँ तो रोज जा सकता हूँ, बोला चलो कमेंट करना अगर रोज दर्शन करने हो तो, मैं रोज दिखाऊंगा जिसको
किसको लगे कमेंट करना कि ये अपने जो पित पर्वत के जो हनुमान जी है जिसको मेरे ब्लॉग में रोज देखना हो वो कमेंट कर दे। 10 कमेंट हो गए एक ही चीज के तो मैं दिखा दूंगा, तो मेरी जब इच्छा होगी तब दिखाऊंगा। ठीक है पहले दिन ही है अभी, तो मैंने कल बोला ना कल तो मैं ट्रेनिंग की सिर्फ बात करने आया था, मैंने उसको एक ही दिन में भी ऐसा कर दिया। स्टे उसका नाम होता है इंटी के लूसी नहीं है। लूसी कम गुड गर्ल नाउ सेट नो सेट लूसी क्या था ये सेट स्टे। ये पहले दिन में अभी ऐसा कर दिया, मतलब इसको तो 7 दिन में पूरी प्रैक्टिस करानी है इसकी, ये अपना मेन काम है। इसके लिए कोई गलत कमेंट मत करना यार, मेहनत है मेरी। ठीक है तो बोलो भैया आप ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत है करेंगे वही आगे बढ़ेंगे, घर बैठे तो कोई नहीं आएगा। ठीक है तो अभी अपन चल यहाँ से भी निकलते हैं कि मैंने एक शॉट डालूंगा इसका, तो वही का डालूंगा क्या डाल ही दिया होगा जब तक आप देख रहे होंगे। तो मैंने शॉट इसलिए डाला था कि आपको ही दिखे ना मेरा काम क्या है। लोग सोचते हैं अरे बस सवेरे उठाई गाड़ी चल दी है और क्या आ गया, भैया बहुत मेहनत करना पड़ती है तब जाके कुछ मिलेगा जीवन में। अभी तो मेरा बीच में पूरा काम बंद हो गया, मैं ना पगला गया था थोड़ा सा बीच में, अभी चलो ठीक है भगवान की कृपा से मिल रहा काम थोड़ा बहुत तो कर लेते, ऐसे काम करना ही पड़ेगा ना नहीं ना उसके कैसे दिन चलेंगे यार। गाड़ी पलटा ही नहीं इधर से निकाल लेंगे सीधे, यहाँ से निकलते बैठे आगे। अभी तो अपने को यहाँ से पहले मैं सोचा 51 नंबर चलते हैं, 51 नंबर पे जाके चीज उठानी अपने को वो उठाते हैं। ठीक है और निकलते हैं फिर, और देखो यहाँ पे पता है मल्टी ज़्यादा पुरानी नहीं है पर यहाँ के लोगों ने कर दिए थे, देखे हमारे मेरे सामने बनी थी यहाँ की मल्टियाँ, हालत ख़राब है भैया साहब, मैजिक वाला कैसे भर के ले जा रही है बच्चों को। चलते हैं यहाँ से यार मोबाइल बहुत परेशान करता है तो यहाँ से मतलब देखो अभी बहुत कुछ मतलब बहुत फर्क पड़ गया रोड को। तो हाँ भैया तो ये हॉर्न बजा बजा के निकल जा, रुकियो मत तो। एक चीज समझ में नहीं आती ये बच्चे इन्हीं के रहते कि कहीं से पकड़ के ले आते हैं यार, सब लगे हुए अपने अपने इसमें, पूरा धंधा बना रखा इन लोगों ने क्या। ये देखो मतलब डिजाइन, अभी देखो मेरे को निकलना है ये खड़ा होगा, अभी एक्सीडेंट हो जाए ना तो पता ये इसका पैसा भी अपने को देना पड़े इनका इलाज का भी, पर किसी को ये नहीं लगता है कि भैया ये लोग गलत कर रहे हैं नहीं, पुलिस वालों खुद खड़े रहते पर कभी टोका नहीं इन लोगों को यार, गलती से भैया किस कोई गाड़ी आ जाए लग लुका जाए हटते भी तो नहीं है जान करके कि सोचते भी है कि हमको कोई ठोक दे साला पैसा अच्छा मिल जाएगा, तो यार इन लोगों से थोड़ा सा बोल दिया करो भैया साइड हट जाओ, मैं तो भैया निकाल लेता हूँ धीरे से गाड़ी, मेरे को पता है जान करके घुसते गाड़ी के अंदर ही तो इनको पता है ना पैसा मिलेगा ऐसे नहीं तो ऐसे तो देगा, तो भैया थोड़ा सा सावधान होकर चले इन लोगों से। पता है आज भी पुराने आशिक जिंदा है, दिखाओ मैं गाड़ी के पीछे देखना, ऐश्वर्या राय के और उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे ये लोग, ये वो लोग हैं।
मतलब ये चीज ना वो पहले उस पर मिलती है ट्रक उनके उस पर, मतलब आज भी मतलब इको पे यार हंसी आ गई इसको देख के मेरे को भी। मैंने वाया पुराने आशिक आज भी जिंदा ईश्वर राय के। असली जीवन तो ये यार बचपना है, ये सही में बहुत याद आता है मेरे को भी। ऐसे कहीं पर जो मिल जाती है वहीं पर पतंग उड़ाना, मतलब मैं अभी भी उड़ाता हूँ पतंग, ऐसा नहीं है। अभी तुमको दिखाऊंगा गाड़ी के अंदर व्यक्ति पतंग रख के रखी उड़ाने का बहुत शौक। तो ये बचपन है क्या वापस याद आता है, ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूँ ना मैं तो बहुत इच्छा होती है कि नहीं यार वापस आ जाना चाहिए यार। पर ये है कि बचपना तो बचपना था यार, बहुत डांट पापा से डर के मारे पतंग इधर उधर छुपा के रखना, क्योंकि तो पापा उड़ाने नहीं देते थे ना पतंग, पापा को शौक ही नहीं था। पापा बोलते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम कहते भी थे घर वाले पढ़ाई कर पढ़ाई कर, पर मैं था कि नहीं अपने को शौक करना है शौक करना है। हालांकि आज भगवान की देन है, पापा की भी इच्छा पूरी, मैंने पढ़ाई भी कर ली है, आज काम भी कर लिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गुलामी नहीं होगी मेरे से मतलब मैं जॉब नहीं कर सकता था, मेरे अंदर यही था कि नहीं मैं जॉब नहीं करूँगा, मेरे से किसी गुलामी नहीं करना मेरे को यार। 10,000 देगा महीने के, चलो 20,000 25,000 देगा ज़्यादा से ज़्यादा, पर यार सुबह से लेकर शाम तक उसका गुलाम थोड़ी नहीं बनूंगा मैं, ये मेरा था मैंने नहीं यार, मतलब इच्छा ही थी अंदर से कि किसी की गुलामी नहीं करेंगे। आज मैं पता दिल का मन कर आ जाऊँ, मेरी इच्छा होगी तो जाऊँगा कहीं पे, नहीं तो नहीं जाऊँगा। ये चीज़ मेरे को चाहिए थी मेरी लाइफ में, मैंने वो चीज़ कर ली है मेरे को। हाँ डॉग ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करी उसके लिए यार, बहुत क्या क्या नहीं करा मैं जानता हूँ, किसी दिन उसके ऊपर ही पूरा टॉपिक पर बात करूँगा मैं, आप लोगों से बताऊँगा मैंने कितनी क्या मेहनत करी है। आप लोगों को पता चले कि डॉग ट्रेनिंग को मैं छुपाता भी नहीं किसी से, ये जय माँ काल का ध्यान रखना मेरा क्या मेरे वीडियो देखने वालों का सबका ध्यान रखना, वहाँ सब पे कृपा करना। तो अभी अपन जा रहे हैं, आज थोड़ा सा रूट चेंज है ना, चेंज है मैं भैया को फ़ोन लगाता हूँ ठीक है, जिनसे मेरे को काम है ना यहाँ पे, पता है चांदी के बरुआ हुआ है, मतलब ये कॉलोनी में लशीपुरी कॉलोनी है ना, यहाँ पे इतने बरुआ हुआ है जिसके अधिनिक हर जगह पर मंदिर है यहाँ पर। अपन ने इसको ले लिया है, ये है ब्लैक जर्मन शेफर्ड, इसको लिया है ये, इसको आज अपन को देना भी है वहाँ पे छतरपुर पहुँचाना भी है, मतलब तो मैं बस से जाएगा भैया, ये तो वहाँ पे कोई अधिकारी उनके पास जाएगा ये, तो हम इसको लेकर निकल चुके हैं। हाँ सीट बेल्ट पहनना भूल गया यार, बेटा रुक जाना तुम्हें वो गाड़ी नहीं चलाने देगा आज। चलो मैं इसको ब्लॉगिंग नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड एक हाथ में ये एक हाथ में ये, तो स्टेयरिंग कैसे पकड़ूंगा, तो करते हैं इसको यहीं पे, मतलब अभी ब्लॉगिंग को थोड़ी देर रोकते हैं क्योंकि ये कर दिया परेशान, इसको छोड़ता हूँ उनको नीचे, चल नीचे जाता हूँ, सो नीचे कर दिया। अब ये क्या कर दिया पता, पूरी मस्ती कर दिया, पूरी गाड़ी में पेपर ही पेपर फाड़ दिया उनने, जैसे कि देखो वो पीछे घुस गई, अंधेरा ही अंधेरा हो गया। चलते हैं लग 5 मिनट घर ही पहुँच रहे हैं, इसको खाना खाते हैं, इसको ये वैक्सीनेशन करवाएंगे, इसको इसकी बकेट लेना है, 2-3 काम है वो भी करना है, इसको आज रखवाना भी है। चलते हैं यहाँ से सीधे, इसको इंजेक्शन भी लग गया है। हाँ ये ऐसा तैयार होके कहीं घूमने नहीं जा रहा, देने जा रही हूँ ये पूरा ये क्या, इसलिए पेपर लगा रखा है छेद कर रखे जिससे कि उसको ऑक्सीजन भी मिलते रहेगा, तो मस्त खाना पीना हो गया उसका, और यहाँ से इसको बस में रखवाने जाना है। बस एक सीट इसकी भी अलग से रहती है, उसमें ये भी चले जाएगा और ये पहुँच जाए छतरपुर। और कोई पता इसको रखना है, एक और आ रहा है आज, ऐसा काम हो गया, मतलब एक और था बच्चा वो भी डन हुआ है, वो हुआ है मिनिमम अभी से थोड़ी देर पहले ही डावरमेंट का, उसको भी लेना है बोलते रहे आज मेरे यही लगे हुए हैं दिन में। इसको तो इंजेक्शन भी लग गया है, इसका तो मैंने क्या ओनर के नाम से वीडियो आएगा तो ओनर का डालेंगे मैं, तो उनके नाम से डाला हुआ है, तो इसको करते हैं थोड़ा सा पीछे, इसको डलिया में पूरा पैक कर, अरे फ्लैश अब ऑफ कर दो। हाँ तो अब इस पर ये सॉल्व, तो इसी के वहाँ पर ठंड लगती है यार, वो बस वालों का इंतजार करना रहता है ना, ठंड लगेगी तो मैंने इसको रख लो, गाड़ी में तो नहीं लगती है वहाँ जरूर लगेगी, तो मैंने इसको रख लेते अपन निकलते हैं यार। अब क्या है नाइट का व्यू दिखाते हुए चलेंगे,
मोबाइल चार्ज कर लें क्योंकि पूरी बैटरी डाउन है आज तो फोन की। वो भी करते हैं, मिलते हैं आगे। आपको लग रहा है मैं बिल्ली नगर रास्ता काट दिया तो ये अंकल भी रुक गए, तो इनको चिढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो लक्ष्मी मानता हूँ यार, लक्ष्मी आती है बिल्ली मेरे को रास्ता काटती ना बिल्ली, तो मेरे लिए तो ऐसा होता है कि मेरे लिए लक्ष्मी आती मेरे पास, तो मैं तो मानता हूँ इस चीज़ को कि हाँ बिल्ली एक लक्ष्मी का रूप है। लोग गलत सोचते हैं भाई साहब, उसके पास जो चीज़ है ना किसी को मिल जाए ना अरबों में हो जाए इंसान। तो भाई साहब ये चीज़ें लोग नहीं मानते, मैं तो मानता हूँ कि भाई मेरा रास्ता काटते तो बिल्ली लक्ष्मी लेके आती है। चलो जिसकी ऐसी सोच यार, कोई क्या सोचता है कोई क्या सोचता है, बहुत अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है, बुरा सोचोगे तो बुरा होता है। तो अंकल के मजे लेने के लिए रुक गया था मैं, क्या ना अंकल क्या करते देखते आप, निकलते ही निकलते अंकल तो सूझबूझ में हो गए कि एकदम मैंने भी गाड़ी रोक दी, मजा ले रहा था अंकल के। बाकी कोई दिक्कत नहीं, निकलते हैं यहाँ से भी। एक चीज समझ नहीं आती, जो गाड़ी दिख रही ना सामने SX4 है की मारुति की, भाई साहब गाड़ी बहुत अच्छी थी, क्यों इसको हटा दिया? लोगों ने अच्छी गाड़ियों को सही नहीं करता, मतलब बहुत बड़ी गाड़ी भी थी, डिजायर से काफ़ी अच्छी थी, मतलब अब सबके अलग अलग चॉइस है यार, जिसका नाम होता वही तो बदनाम होता है। गाड़ी अच्छी थी यार SX4, मेट्रो टैक्सी में तो इसकी काफ़ी थी, उसमें भी भंगार कर दी ड्राइवरों ने उसको चला चला। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेट्रो का मतलब कितना क्या काम हो गया है भाई साहब, मेरे को ऐसे देख रहे हैं। मैंने कहा सॉल ओढ़ रखी है तो उसको लगा सीट बेल्ट नहीं पहना, पर उसको दिख गया कि सीट बेल्ट पहना, वो पूरा मतलब बन चुका है यहाँ पे, थोड़ा और बचा है यहाँ का, देखते हैं। अभी अपन पूछने वाले हैं स्टार चौराहे पे, तो वहाँ पे जाते थे पता है गाना इतना अल्टीमेट आया, तो अच्छा ये भी सुना दिया जाए हल्का सा। कमेंट करके बता ना कौन सा गाना है, ठीक है इसको समझ में आ जाए कमेंट कर देना। तो अभी अपन आ गए थे रोबोट चुराया यहाँ पे, मतलब जो इंदौर का वो तो जानता है, बाहर के भी बहुत से लोग जानते हैं। अच्छा फेमस चुराया है ये एक अपना रोबोट है वो, यहाँ पास मतलब नियम कानून सिखाता है, वही दिखाता हूँ वो भी। और उससे इंदौर के देखे तो भैया हमने तो देखा हुआ, तो भैया जिनने देखा हुआ है प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करना कि मेरे को ऐसा लगे कि नहीं यार मैंने गोगट की चीज़ दिखा दी, ये बाहर वालों के लिए भी है ना, ठीक है। तो उसने ग्रीन कर दिया तो निकल लिया, यही है ये रोबोट भाई, रोबोट चुरा रहेगा मतलब ये अपने को सिग्नल देता है पूरा। अभी इसने रोक कर रखा था, कह रहा आप रोकेगा इसको ना, इसकी बातचीत कराना पड़ेगी क्या, अगला रोकेगा नहीं अपने को। हालांकि ये किसी से बात ही नहीं करता, इतना घमंड है इसको अपने आप में। चलो चलते हैं यहाँ से, जो देखे तो अपनी डगर भूल जाए। कपल ब्रिज ही है तो, अरे इतने कपल बेटे इतने कपल। तो अपन ने क्या डावर तो में जो बच्चे का और डावर मिल दिया अपन, क्या तो बच्चे की फोटो लिया, उन्हें वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पे उनके सर की लड़की भी थी बच्चियाँ, अच्छा नहीं लगता, मैंने तो बच्चे की फ़ोटो ले ली वो डाल दी वहाँ बस। फिर उसका मैंने वीडियो डावर में आ गया था, जो गाड़ी खड़ी अपनी निकलते उसको लेके।